अरे भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो सबों को मौका देती है। इन्होंने यह हमेशा मौका सबको देती है, उसी क्रम कड़ी में इनको भी मौका मिला है। दिलीप जायसवाल विद्वान आदमी भी हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो यहाँ साइड कहाँ करने की बात है। यह तो विपक्ष का भ्रम फैलाने की स्थिति है। 25 के चुनाव में भी हमारा जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसको हम लोग अचीव करेंगे। बीजेपी बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल, और ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं बिहार की सियासत तेज हो गई अब जाकर, और लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में यह भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कशक मिटाने की कोशिश जो है भाजपा कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल? बिल्कुल नहीं, बहुत योग्य आदमी, और डॉक्टर दिलीप जायसवाल विद्वान आदमी भी हैं। डॉक्टर आपको माता गुजरी देवी जो मेमोरियल के मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं भी, अभी भी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनको एक संस्था को बहुत दिनों से चला रहे हैं। दूसरी बात, खास करके वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपको लगभग 20 साल से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं लगातार, और उन्हें इतना अनुभव है कि उन्होंने सिक्किम, आपको एक सिक्किम प्रदेश का, उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाया गया है, तो उसमें क्षमता की कमी नहीं है। और खास करके वह तो अभी राजस्व मंत्री भी हैं, अभी राजस्व मंत्री भी हैं, उनका भी अनुभव है। भंडार निगम में वो निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो वह तो बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से भाजपा उनके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा संगठन विपक्ष के हमारा। द्वारा जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? लगातार विपक्ष कह रहा है कि दो सांसदों का टिकट काटा गया जो उसी समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं, और उसके बाद दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा, तो कसक मिटाने की कोशिश तो नहीं है भाजपा की? नहीं, ऐसा कहना सर्वथा गलत है। अरे भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो सबों को मौका देती है, हर व्यक्ति, हर वर्ग और हर जाति समूह के लोगों का को तो मौका देती है। तो हमने तो समय समय पर, हमेशा बदलाव होते रहता है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, कहीं एक जगह नहीं मिलता है तो दूसरी जगह मिलता है। कैसे किसी को काटा गया? किसी का काटा नहीं गया, उनके जगह पर बहुत सारे लोग हमारे आए हैं। जी बिल्कुल, तो इसीलिए इन्होंने यह हमेशा मौका सबको देती है, उसी क्रम कड़ी में इनको भी मौका मिला है। अच्छा, 24 का जो चुनाव है उसको लेकर कहा यह जाता है कि सम्राट चौधरी ने अच्छा जो है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, पार्टी को लेकर उन्होंने जिस तरीके सीट जितना था उतना सीट नहीं जिता पाए, तो ऐसे में क्या लगता है सम्राट चौधरी को इसलिए साइड किया गया? नहीं, साइड नहीं किया गया उन्हें, तो और गुरुतर जवाबदेही दी गई है। वो तो हमारे नेता हैं, सम्राट चौधरी तो हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे और नेतृत्व कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो यहाँ साइड कहाँ करने की बात है। यह तो विपक्ष का भ्रम फैलाने की स्थिति है, और उनके नेतृत्व में हमने इस चुनाव को जीता है, लोकसभा चुनाव को हमने जीता है, हमारी सरकार बनी है, तो कहाँ कम वोट आया है? 25 का चुनाव आ रहा है, अच्छा प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल, 25 के चुनाव में भी हमारा जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसको हम लोग अचीव करेंगे, और निश्चित रूप से उससे आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़ेंगे, जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं अचीव करने की बातें कर रहे हैं बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव। ऐसे में जिस तरीके से योग्य व्यक्ति बताते हुए नजर आ रहे थे दिलीप जायसवाल को, प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल, और ऐसे में देखने वाली बात यह हो कि 25 चुनाव में किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करते हैं और किस तरीके से 25 चुनाव में प्रदर्शन करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जयप्रकाश यादव को फिलहाल आप सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।